तो गाइस आज मैं आप लोग कुछ इस टाइप का ब्लैक एंड ब्लू इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी लाइट में आपको यूज़ करके बहुत ही सिंपल तरीके में। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो चलिए अभी ज्यादा बात के बिना आज के इस वीडियो को कर लेते स्टार्ट। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में लाइट मैप को ओपन करना है और लाइट मैप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऐड फर्स्ट क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करके अपना फोटो कैसे सिलेक्ट करके ऐड करना है, जिस भी फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस ऐड पर क्लिक करके अपना फोटो के यहाँ पर लाइट मैप के अंदर ऐड करना है। तो गाइस हमारा फोटो यहाँ पर अभी लाइट मैप के अंदर ऐड हो चुका है और ऐड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑल फ्रेश पर क्लिक करके अपना फोटो कैसे ओपन कर लेना है। तो ये रहा हमारा फोटो, तो हम ऐसे अभी ओपन कर लेते हैं, तो आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर फोटो हमारा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इधर से चले जाने कलर्स क्वेश्चन में। तो गाइस ये रहा कलर्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टेप इसका टेम्परेचर को आप लोग थोड़ा सा फिर इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोग 9 का स्पेस रख लेना है और यहाँ पर इसका टीन को भी आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो टीन को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को 4 के आसपास रख लेना, ठीक है। और अब इसको वाइबेंस को भी आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। तो वाइबेंस को इंक्रीज करके इधर पे आप लोगों को 10 के आसपास रख लेना है। देन गाइस इधर से भी आप लोग चले जाना मिक्स टूल में। तो दोस्तों यार मिक्स टूल क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका रेड कलर के सैचुरेशन को इधर पर इंक्रीज करना है। तो इसका सैचुरेशन इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोग 22 के आसपास रख लेना है और यहाँ पर इसका लुमिनस को भी इधर पर आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो लुमिनस को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोग 16 के आसपास रख लेना है, ठीक है। देन अभी आप लोग स्क्रीन टोन को सही करने के लिए आप लोग चले जाने ऑरेंज में और ऑरेंज कलर में आने के बाद या फिर इसका सैचुरेशन को आप लोग थोड़ा सा डिक्रीज करना है। तो सैचुरेशन किसका डिक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को -9 के आसपास रखना है और इसका लुमिनस को आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो लुमिनस आप लोग अपने हिसाब बराबर इंक्रीज कीजिएगा, जितना आप लोग व्हाइट चाहते हो अपना फेस को उतना यहाँ पर आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अभी इसे 7 के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों ऐसे भी चले जाए येलो कलर में और येलो कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू को आप लोग इधर पे फुली डिक्रीज करने -100 और या फिर इसका सैचुरेशन की भी आप लोग फुली डिक्रीज करने -100। देन गाइस इधर से अभी चले जाने ग्रीन कलर में और ग्रीन कलर में जाने के बाद यहाँ पर भी इसका ह्यू को आप लोग फुली डिक्रीज करने -100 और या फिर इसका सैचुरेशन की भी आप लोग फुली डिक्रीज करने -100। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों ऐसे अभी चले जाए सीएन कलर में और सीएन कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू को आप लोग इधर पर इंक्रीज करने, तो इसका ह्यू को आप लोग इंक्रीज करके यहाँ पर 66 के आसपास रखना है और आप इसका सैचुरेशन के भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो इसका सैचुरेशन को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को 62 के आसपास रख लेना, ठीक है। देन गाइस इधर से अभी चले जाने ब्लू कलर में और ब्लू कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू को आप लोग इधर पर डिक्रीज करने, तो इसका ह्यू को डिक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को -46 के आसपास रख लेना, ठीक है। और अब इसका सैचुरेशन के इधर पर आप लोग इंक्रीज करना है, तो इसका सैचुरेशन को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को 27 के आसपास रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अभी चले जाने पर्पल कलर में और पर्पल कलर में जाने के बाद या फिर इसके ह्यू को आप लोग इधर पे फुली डिक्रीज करना है -100 और अब इसका सैचुरेशन को भी आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, तो इसका सैचुरेशन को इंक्रीज करके आप लोग 12 के आसपास रख लीजिएगा, ठीक है। देन दोस्तों ऐसे वो और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे वो डन करना है और डन करने के बाद दोस्तों ऐसे अभी चले जाने कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में। तो गाइस इधर ऊपर कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे आप लोग एरो का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो इसी एरो पर आप लोग क्लिक करना है और इस एरो पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका शेडो टोन का जो ह्यू है तो इसे यहाँ पर आप लोग बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसे बढ़ा के आप लोग इधर पे 252 का स्पेस रखने और आप इसका सैचुरेशन को भी इधर पर आप लोग बढ़ा लेना है, तो इसका सैचुरेशन को बढ़ा के इधर पर आप लोग 21 का स्पेस रखने। देन गाइस इधर से भी आप लोग चले जाए मिड टोन्स में और मिड टोन्स में आने के बाद यहाँ पर भी इसके ह्यू को आप लोग इधर पर बढ़ा लेना है, तो इसका ह्यू को आप लोग बढ़ा 222 का स्पेस रखना है, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन के भी इधर पर लोग बढ़ा लेना है, तो इसका सैचुरेशन को बढ़ा के इधर पर लोगों को 51 का स्पेस रखना है। देन गाइस इधर से भी लोग चले जाए हाईलाइट स्टोन में और हाईलाइट स्टोन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका ह्यू को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 241 का स्पेस रखना है, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन के भी इधर पर लोग बढ़ा लेना है, तो इसका सैचुरेशन को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 33 के आसपास रखना है। देन गाइस यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से स्वाइप करना है और स्वाइप करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसका ब्लेंडिंग को बढ़ा के इधर पे आप लोगों को
85 ग्लासेस रखने हैं, ठीक है। और अब इसका बैलेंस को इधर पर माइनस करना है, तो इसका बैलेंस को माइनस करके यहाँ पर आप लोग को -34 के आसपास रखना है। देन ऐसे भी आप लोग और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लोग ऊपर से डाइन कर लेना है। डाइन करने के बाद दोस्ती ऐसे भी लोग चले जाने इफेक्ट का ऑप्शन में। तो गाइस ये इधर पे इफेक्ट का ऑप्शन, तीसरे इफेक्ट का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। और इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्ती आप इसका भिगनेट के अमाउंट को इधर पर आप लोगों को माइनस कर लेना है, तो इसे माइनस करके यहाँ पर आप लोगों को -55 का स्पेस रखना है, ठीक है। और आप इसका मिड पॉइंट आप लोग अपना फोटो के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर अभी 11 तक रख लेते हैं, ठीक है। और अब इसका फेदर को इधर पर आप लोग बढ़ लेना है, तो फेदर को बढ़ा के यहाँ पर आप लोगों को 83 के आसपास रखने हैं। देन गाइस इधर से अब लोग चले जाने डिटेल्स का ऑप्शन में। तो दोस्तों ये रहा डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसका शार्पनिंग को आप लोग इधर पर बढ़ा लेना है, तो शार्पनिंग को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 49 के आसपास रखना है। और अब इसका मास्किंग को भी इधर पर आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो मास्किंग को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 50 के आसपास रखना है, ठीक है। और अब इसका नॉइस रिडक्शन को भी इधर पर आप लोग बढ़ा लेना है, तो इसे बढ़ा के आप लोग 56 के आसपास रखना है। और अब इसका कलर नॉइस रिडक्शन को इधर पर आप लोग इंक्रीज करना है, तो इसे यहाँ पर इंक्रीज करके आप लोगों को 50 के आसपास रखना है। देन गाइस यहाँ पर आप लोग और कुछ नहीं करना है, इधर पर आप लोग फोटो रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोटो रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये बिफोर एंड आफ्टर दिस, तो कंप्लीट एडिटिंग यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आपको भी अपना फोटो को एडिटिंग करना है। और एडिटिंग करने के बाद दोस्तों ऐसे आप लोगों को अपना फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऊपर शेयर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो इसी शेयर का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करके आप लोगों का फोटो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। और एक बार दोस्तों इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जाकर उसे प्रीसेट को भी डाउनलोड कर सकते हो।